अच्छा ये बताओ तुम खुश हो ना? कभी तुम खुश तो हो ना? निरंजन तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? इसलिए क्योंकि हमारी शादी को 8 साल हो गए और अभी तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ। निरंजन नहीं हुआ तो हो जाएगा ना, कौन सा हम लोग अभी बूढ़े हो गए हैं? वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉब्लम मेरे स्पर्म में है। ओहो निरंजन तुम भी ना, डॉक्टर ने कहा है ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम क्यों इतनी टेंशन लेते हो? हाँ कविता मैं क्या करूं? बस मैं सोचता रहता हूं कि हमारा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा। तुम अब बुजुर्गों जैसी बातें कर रहे हो, तुमसे कहा ना इस साल में कुछ न कुछ अच्छा हो जाएगा। और एक बात बताओ निरंजन, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती? वैसी बात नहीं है, दोष मुझमें होने के बावजूद तुमने मुझे कभी एहसास नहीं दिलाया। निरंजन दोष तुम में नहीं है, ऊपर वाले ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे तुम इतने दिन के लिए कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ मार्केटिंग करना है तो 2-3 महीने में आ जाऊंगा, ठीक है ना? इतने दिन? मैं तुम्हारे बिन इतने दिन कैसे रहूंगी? हाँ अरे बाबा शॉपिंग करो, सीरियल देखो, एंजॉय करो। मैं अकेली नहीं जाऊंगी शॉपिंग करने। बाबा एक काम करो, जब मैं वापस आ जाऊंगा तो हम दोनों साथ में चलेंगे, फिर हम एंजॉय करेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है चलता हूँ, बाय बाय। What happened? Can I help you? हाँ श्योर, पता नहीं क्या हो गया है, जब से चालू कर रही हूँ गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। Let me check. Okay. पेट्रोल है? पता नहीं। मैं चेक करूं? आओ चेक कर लो अभी। ओके। थैंक्स। अगर आप नहीं होते तो शायद मेरी स्कूटी सही नहीं हो पाती। कोई बात नहीं, स्कूटीज में होता रहता है, मेरी स्कूटी में भी होता है। सर्विसिंग की जरूरत है इसे? हाँ इसे भी और मुझे भी। What? बाय द वे थैंक्स ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी मैं। थैंक यू, चलती हूँ मैं, बाय। वेलकम। मस्त आइटम थी भाई। हाय। हाय। तुम यहाँ रोज आते हो? हाँ मुझे जॉगिंग करना पसंद है। ओह दैट्स नाइस। व्हाट अबाउट यू? मैं भी बस कभी कभी टहलने आती हूँ। वैसे बाय द वे आई एम कविता। हाय आई एम गौरव। तो तुम यहीं रहते हो आसपास ही? हाँ वो जो शेफ कॉलोनी है ना, मैं वहीं पर शिफ्ट हुआ हूँ। एक्चुअली आई एम ए स्टूडेंट एंड माई पेरेंट्स स्टेज इन राजस्थान, सो इसीलिए। व्हाट अबाउट यू? मैं एक्चुअली पासी की कॉलोनी में अनुज नगर में मेरा बंगला है और बस आई मीन मेरे हस्बैंड का। पिछले 8 सालों से मैं और मेरे हस्बैंड बस इसी बंगले में रह रहे हैं। बाय द वे तुम्हारी ग्रेजुएशन क्या है? बीएससी माइक्रोबायोलॉजी। ओह साउंड्स गुड। आई लव माइक्रोबायोलॉजी। श्योर राइट। इनफैक्ट करना वही चाहिए जो हमारे दिल को पसंद हो। वैसे और बताओ अपने बारे में। बस सब मस्त चल रहा है। और बताइए अपना सो स्टडी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया। अच्छा ये मेरा बंगला है। नाइस बंगलो। थैंक यू। तो कल मिलते हैं जॉगिंग पर। बिल्कुल मिलते हैं। चलो बाय बाय। टेक केयर। सी यू टुमारो। अरे कविता कविता। हाँ अरे मैं ले लेता हूँ। अरे नहीं नहीं मैं लेता हूँ मैं लेता हूँ। इतना बड़ा बैग है तुम संभाल भी नहीं पा रही हो। फिर कहाँ गए थे आप? बस मार्केट से आ रही हूँ थोड़ा सामान वामान लेके। और बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? सब कुछ बढ़िया। तुम बताओ। बस और कुछ नहीं। वैसे एक बात कहूँ बहुत खूबसूरत हैं आप। हाँ यहाँ रख दो। थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? इट्स माय प्लेजर। वैसे तुमने मेरी दूसरी बार हेल्प की तो इस बात में कॉफी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं? हाँ हाँ क्यों नहीं। आप 2 मिनट बैठो मैं अभी आई कॉफी बना के। बाय द वे मैंने कभी आपके हस्बैंड को देखा नहीं। कॉफी वो क्या है ना कि ज्यादातर वो टूर पे रहते हैं। ओह चीयर्स। वाह व्हाट ए कॉफी। क्या कॉफी बनाया आपने। थैंक यू। अच्छा वैसे तुम खाना बाहर ही खाते हो क्या? एक्चुअली मैं घर पे ही बना लेता हूँ। आई एम ए गुड कुक। वाह और मुझे कब खिला रहे हो? जब आप कहो। ओके अच्छा तो एक काम करें आप संडे को मेरे घर आ जाओ। हम यहीं पे कुछ कुकिंग करेंगे और खाएंगे साथ में और एंजॉय करेंगे। वाओ दैट्स अ ग्रेट आइडिया। तो एक काम करते हैं संडे को सुबह 10 बजे मिलते हैं। पक्का। नाइस। थैंक यू। अरे गौरव मेरा नंबर लेकर जाना ठीक है। कुकिंग से रिलेटेड कोई भी सामान मंगाना हो तो मुझे टेक्स्ट कर देना। ओके बताइए आपका नंबर। 9928635491। ठीक है ओके मैंने आपको मिस कॉल दे दिया। बाय बाय बाय। अरे वाह तुम तो इतना अच्छा खाना बना लेते हो। वैसे मैंने ऐसा सोचा नहीं था। कल से ना मेरे लिए एक टिफिन रोज घर पे भिजवा देना ठीक है। मैं ना अकेले खाना बनाते बनाते इतना थक गई हूँ ना सच में। Why not? लो। वैसे कहाँ से सीखा इतना अच्छा खाना बनाना? YouTube से। क्या है ना एक तो खाने का मुझे बहुत शौक है ऊपर से रोज रोज बाहर का खाना एफोर्ड तो नहीं कर पाऊंगा सो बनते बनाते खुद ही सीख लिया। सच बताऊं तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि तुम इतना अच्छा खाना बनाओगे। थैंक यू। तुम तो मेरे से भी अच्छा खाना बना लेते हो। वाह थैंक यू। क्यों रे आजकल भाभियों के साथ बहुत ज्यादा डेट शेट पे जा रहा है क्या? क्या नहीं कल ही शाम को देखा मैंने तुझे कभी एक मस्त आइटम सी भाभी को लेकर जा रहा था उसके घर में कूली बन के ऐसे करके। कभी कभी कल शाम को कुछ भी कुछ भी। तो ये देख सबूत के साथ में। अच्छा ये याद आई? वो तो फ्रेंडशिप हो गई थी हमारी जॉगिंग के वक्त। तो हमारी सिर्फ फ्रेंडशिप है और कुछ नहीं भाई। बेटा जो फ्रेंडशिप जॉगिंग के ट्रैक पर शुरू होती है ना वो जाके बीच में ही खत्म हो जाती है जॉगिंग के बाद। तो आगे कुछ बकवास करो उससे पहले बता दूं वो शादीशुदा है। तब तो प्रॉब्लम खत्म। शादीशुदा औरतों का तो कोई टेंशन भी नहीं होता। तुझे इसके अलावा कुछ दिखता नहीं है क्या? देख भाई बहुत नेचुरल बात कर रहा हूँ। मर्द और औरत में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। सिर्फ वो चीज हो सकती है जो कि नेचुरल है और नेचुरल चीजों में कभी कोई हर्ज नहीं होती है। कोई काम नहीं होता है। इसमें गांजा है क्या? तुझे चढ़ी? हाँ। देख मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तू उसे अप्रोच करेगा ना वो तुझे मना नहीं करेगी। तू पागल हो गया क्या? देख शादीशुदा औरतों के साथ संबंध करने में ना सबसे ज्यादा सेफ होता है। कोई शादीशुदा है तो प्यार का सवाल ही नहीं उठता। और रही बात मजे की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शादीशुदा औरतों के साथ ना संबंध रखना सबसे ज्यादा सेफ होता है। उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है यार। तूने घुस के देखा उसके मन के अंदर? अरे जाके उसे अप्रोच कर उसे सिग्नल दे। अगर मान गई तो ठीक है वरना सॉरी बोल देना। हो गया। हाय। अरे तुम आज कॉलेज नहीं गए? आज मन ही नहीं कर रहा था। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कविता तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का बड़ा मन कर रहा है। कॉफी ही नहीं नाश्ता भी मिलेगा। आ जाओ। चलिए। अच्छा तुम्हारे एग्जाम्स कब से हैं? 2 महीने बाद। तो फिर तुम्हें स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। अच्छे मार्क्स भी जो लाने हैं। अच्छा हुआ जो तुम आ गए। क्यों क्या हुआ? तुम शाम को फ्री हो? फ्री तो हूँ वैसे कुछ नहीं कर रहा। मैं एक्चुअली सोच रही थी कि तुम आज रात का खाना यहीं खाओ। कुछ स्पेशल है? स्पेशल तो नहीं है बस मेरा ना थोड़ा मूड ठीक नहीं है इसलिए मैंने सोचा कि तुम आओगे तो बंदा आपकी अच्छा खिदमत में हाजिर है। थैंक यू। चीयर्स। सॉरी। किस बात के लिए? जो कुछ कल रात को हुआ था वो नहीं होना चाहिए था। आई एम रियली सो सॉरी। सॉरी कहने की कोई बात नहीं है। तुमने मुझे जो प्यार दिया है ना उसके लिए थैंक्स। तो एक और थैंक यू। ओके। हाय, आज जॉगिंग के लिए क्यों नहीं आई? मुझे कहीं जाना है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ऑल फाइन। अरे हेलो डॉक्टर साहब, कविता मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? देखो गौरव, तुम्हारे मेरे बीच जो कुछ भी हुआ ना, उसे सपना समझकर भूल जाओ और हो सके ना तो मुझसे दूर ही रहो। अचानक दूर क्यों? ऐसी क्या बात हुई? ऐसी कोई बात ना हो इसीलिए कह रही हूँ। 2 दिन बाद मेरे पति आ रहे हैं और जितना मिलना मिलाना था ना हो चुका है, तो हो सके ना तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मुझे मेरी गृहस्थी पर ध्यान देने दो। तुम्हें अभी अपना पति और गृहस्थी याद आ रही है? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल कर तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाऊं? तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, अभी कौन सी देरी हुई है? ना ही मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही तुम मेरे बॉयफ्रेंड। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ ना वो अनजाने में हुआ, उसे इतना इमोशनल लेने की कोई जरूरत नहीं है। कविता तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? देखो गौरव, तुमने आज तक मेरी जितनी भी हेल्प की है ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जाते जाते ना एक काम और करते जाओ कि आइंदा यहाँ पर कभी मत आना और मुझे मिलने की कभी कोशिश मत करना। ये सारा मैटर अभी के अभी यही खत्म करके जाओ। कविता छोड़ो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? जल्दी आ जाऊंगा, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। कविता आई लव यू। कैसे हो? अच्छा हूँ। कैसा रहा टूर? मस्त। चलो और क्या क्या किया टूर में? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। अच्छा, लेकिन देखो मैं बैग यहीं पर रख रहा हूँ और तुम फटाफट रेडी हो जाओ, हमें शिमला के लिए निकलना है। शिमला जाना कैंसिल। क्या? क्यों? रिपोर्ट्स आई हैं। किस चीज की? मैं प्रेग्नेंट हूँ और तुम बाप बनने वाले हो। क्या? तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी, लेकिन ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर के पास जो तुम्हारे टेस्ट थे ना, वो कामयाब रहे। ओहो कविता, तुमने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। लेकिन अच्छा, शिमला कैंसिल। तो एक काम करें, हम लोग अच्छे से रेस्टोरेंट में चल के खाना खाएं। पार्टी तो बनती है ना? हाँ, पर शाम को। शाम को? ए बाबा रुको, आज से काम करना तुम्हारा बिल्कुल बंद, और मेरा भी आज से टूर्स पे जाना कैंसिल। 8 साल बाद तुमने खुशखबरी दी है ये मुझे। लेकिन वो गार्डन में मिट्टी क्यों खुदी हुई थी? वो एक्चुअली कुत्ता मर गया था, तो मैंने उसे दफना दिया। अच्छा, कुत्ता? हाँ, स्ट्रीट डॉग। हाँ हाँ, हमारे एरिया में तो बहुत सारे डॉग्स हैं। कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग अपने बेबी का नाम क्या रखेंगे? गौरव। गौरव सही है, बिल्कुल सही है।